गुजर साहब, आई एम श्योर कि आप, आपके जहन में, आपके दिल में, आपके मन में बहुत सारे इमोशंस, भावनाएं इस पल गुजर रहे, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या आपकी क्या फीलिंग है इस पल? आई नो इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आपके जहन में क्या हो रहा है? वेल, आफ्टर द एंटायर जर्नी, जितना लंबा एक सफर करके आया हूँ मैं, वो सफर हिंदी में किया है, अंग्रेजी में नहीं. अच्छा. हाँ, अंग्रेजी में सफर कुछ और हो जाता है. मैं हिंदी में सफर करता हुआ आया हूँ यहाँ इतने बरस, और यहाँ पहुँच के बस इतना कह सकता हूँ कि इट्स सच अ फुलफिलमेंट टू बी इन द ऑडियंस ऑफ योर डॉटर. ये बड़ी बहुत मुश्किल मौका मिलता है माँ बाप को भी, तो वहाँ पहुँच के एक बड़ी तसल्ली होती है, लेकिन ये देख के और तसल्ली होती है कि इनके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, जिनका जो पूरा यूनिट, इनके साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं और ये सारे जुड़े हुए, ये जहाँ से मैं चला था, मुझे लगता है अब दिस इज द जनरेशन हु हैज़ ब्रॉट सिनेमा टू दिस प्लेस, हु हैज़ ब्रॉट सिनेमा टू दिस डिग्निटी, टू दिस स्टेटस, और यहाँ पे आके फिर जी चाहता है कि इनका हाथ पकड़ लो और इस बार डोंट लीड देम, दिस टाइम कीप ऑन फॉलोइंग देम. दैट्स व्हाट आई फील. गुजार साहब, आई कांट टेल यू हाउ हाउ ग्रेटफुल वी आर टू हैव योर प्रेजेंस, योर एनर्जी एंड दैट सोल दैट यू ब्रिंग अलोंग to every piece of work. I know how emotional this is for you, Bhosle, and I know what it must mean for you to get your father's love and validation on your piece of work. Give it up for the father and daughter that I really believe. That's my girlfriend's mom. ये इश्क नहीं आसान गुलजार साहब, ये ऐसे ही हो जाता है. ये बेटी है, अभी मेरी बेटी हुई है, 15 महीने हुए. आई गेट फॉर दैट इमोशन नाउ फील्स लाइक आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फॉर द से अ वर्ड फॉर ऑन बिहाफ ऑफ महेश, बिकॉज महेश मस्ट ऑल्सो बी द फीलिंग द सेम थिंग विच आई एम फीलिंग नाउ. हियर इज द अदर डॉटर ऑफ माइन. थैंक यू गुलजार साहब के लिए सवाल. गुलजार जी, आपने बोध किया ना, मैं लिखा था मेरी प्यारी बोध की को बूंद जैती ओध की को, तो ये आपने बोध की को दिया था, अपनी बोध की को जी. तो उनसे आज तक आपको क्या चीज मिली है जो तब से खूबसूरत रही? क्या चीज थी, ऐसी क्या चीज मिली है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, ऐसी क्या चीज आप क्या मिली है? अब बताइए, अगर ओस की बूंद महसूस हो जाए आपको, तो आप उससे ज्यादा पाक बूंद और कहाँ ढूंढेंगे? अब मुझे अपनी बेटी में मिल गई थी, सो मैंने कह दिया. थैंक यू अगेन, एंड थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू बोस्के, आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टे ऑन स्टेज एंड थैंक यू. Please subscribe to Viral Bollywood. Please like, share and subscribe to Viral Bollywood. Subscribe कीजिए. Please subscribe.